अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कोर्स ऑफ आईटी स्किल्स एलआरबी पार्ट टू एट द कॉलेज ऑफ लॉ नारवल। माय नेम इज़ मोहम्मद शमरेज़ खान एंड इट्स आवर पावर पॉइंट लेक्चर। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, तो उसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो पावर पॉइंट के ऊपर है। तो पावर पॉइंट में देख लेते हैं कि इसमें हमने क्या करना है। बेसिकली पावर पॉइंट में जो हमारा सबसे पहले है इंट्रोडक्शन टू पावर पॉइंट है। तो इंट्रोडक्शन में देखना है कि क्या चीज़ है पावर पॉइंट, है क्या, किस तरह काम करता है, इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, किस लिए यूज़ होता है। उसके बाद आ जाती है प्रेजेंटेशन स्टाइल्स। इसकी प्रेजेंटेशन स्टाइल मतलब कि कोई भी बेसिक प्रेजेंटेशन को कैसे बना सकता है, हमने ये चीज़ देखनी है। तो देखते हैं आगे। MS पावर पॉइंट इंट्रोडक्शन टू पावर पॉइंट कह रहा है, पावर पॉइंट इज ऑफन यूज टू क्रिएट बिजनेस प्रेजेंटेशन बट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर एजुकेशनल और इनफॉर्मल पर्पज। कह रहा है कि जो पावर पॉइंट हम यूज़ करते हैं वो बिजनेस की, बिजनेस कोई भी मीटिंग हो रही हो या कोई भी डील करनी हो किसी भी प्रोजेक्ट की, बिजनेस प्रोजेक्ट की, उसके ऊपर कोई प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं। तो कह रहा है कि बिजनेस प्रेजेंटेशन या इसके अलावा क्या कर सकते हैं कि एजुकेशनल, जैसे कि कोई भी क्लास में प्रेजेंटेशन होती है इस तरह की प्रेजेंटेशन हम पावर पॉइंट पर तैयार करते हैं, या कोई भी इंफॉर्मेशन आपने किसी को प्रोवाइड करनी है तो इस काम के लिए हम पावर पॉइंट यूज़ करते हैं। इसके बाद क्या कहते हैं, प्रेजेंटेशन आर कंप्राइज ऑफ स्लाइड्स। प्रेजेंटेशन जो होती है हमारी स्लाइड्स के ऊपर मुश्तमल होती है, विच मे कंटेन टेक्स्ट इमेजेस एंड अदर मीडिया सच एज ऑडियो क्लिप्स एंड मूवीज। कह रहा है जो हमारी प्रेजेंटेशन है वो स्लाइड्स के ऊपर मुश्तमल होती है, इसके अलावा टेक्स्ट भी होता है, इमेजेस भी होती हैं, मीडिया जैसे कि वीडियो हो गया, ऑडियो क्लिप्स हो गए, ये चीज़ें हमारी प्रेजेंटेशन में आ सकती हैं। इसके अलावा हम अपनी प्रेजेंटेशन को साउंड इफेक्ट्स दे सकते हैं, एनिमेशन ट्रांजिशन कर सकते हैं। इसके अलावा क्या कह रहा है, कैन ऑल्सो बी इंक्लूडेड टू ऐड एक्स्ट्रा अपील टू द प्रेजेंटेशन। बहुत सारी और भी चीज़ें हम एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, बहुत सारी वो हम देखेंगे भी। हम प्रेजेंटेशन जब तैयार करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं पावर पॉइंट में, तो हमने इंट्रोडक्शन टू थ्रेटिकली देखा है कि पावर पॉइंट हम कर क्या सकते हैं। उसके बाद देखेंगे क्या प्रेजेंटेशन स्टाइल्स, प्रेजेंटेशन स्टाइल्स क्या होते हैं, ये चीज़ें हमने अभी देखनी है। इसके लिए हम ओपन कर लेते हैं एक न्यू टैब, एक न्यू विंडो पावर पॉइंट की। लेट्स सपोज मैं इसको इसमें जाता हूँ, फाइल में न्यू ओपन कर लेता हूँ, इधर से जस्ट ब्लैंक प्रेजेंटेशन ओपन करनी है। वैसे तो हम इधर से देख सकते हैं जो हमारी सजेस्टेड सर्चेज हैं वो क्या बता रहा है, प्रेजेंटेशन चार्ट्स, डायग्राम, बिजनेस, एजुकेशनल थीम्स, ये सारी हम देख सकते हैं सर्च करके इंटरनेट के ज़रिए, ये जो ऑलरेडी डाउनलोडेड है वो हम इसमें से देख सकते हैं। तो जस्ट सिंपली ब्लैंक प्रेजेंटेशन पर क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास इस तरह की एक स्क्रीन आ जाती है। इसमें सबसे पहले तो वो क्या शो कर रहा है, क्लिक टू ऐड टाइटल, क्लिक टू ऐड सबटाइटल। फ़र्ज़ करें इधर मैं अपनी प्रेजेंटेशन का नाम लिखता हूँ, जिस भी चैप्टर या जिस भी बुक की है वो मैं इधर लिख देता हूँ, वो हमारा टाइटल हो जाएगा। जैसे कि मैं लिख देता हूँ MS पावर पॉइंट, तो ये क्या हो गया, ये हमारी इस टॉपिक के ऊपर ये हमारा एक टाइटल है। इसके बाद इसका सब टाइटल क्या है जी, लेट्स सपोज मैं क्या आपको बता रहा हूँ, बेसिक बेसिक कंसेप्ट्स। तो बेसिक कंसेप्ट्स में क्या आ जाता है, इंट्रोडक्शन टू पावर पॉइंट आ गया, ये भी लिख सकते हैं जैसे कि अच्छा ये जो हमारा MS पावर पॉइंट है ये हमारा क्या मेन हेडिंग हो गई, और ये नीचे क्या है सब टाइटल, सब हेडिंग, सब टाइटल कह लें इसको, इंट्रोडक्शन टू पावर पॉइंट। जैसे कि मैंने आपको इस स्लाइड में बताता हूँ, जैसे कि ये है MS पावर पॉइंट, ये हमारी क्या है मेन टाइटल है। इसके बाद सब टाइटल क्या आ गया, इंट्रोडक्शन टू पावर पॉइंट, ये जो मैंने आपके लिए स्लाइड तैयार की है। तो दूसरी विंडो पे चलते हैं। अच्छा जी,
सबसे पहले ये एक हमारी एक स्लाइड है, अगर हमने इसमें एक न्यू स्लाइड ऐड करनी है तो ये आपको टैब नज़र आ रहा होगा, या तो उधर जाके हम क्लिक कर लें या डायरेक्ट भी हम ऐड कर सकते हैं कंट्रोल प्लस एम से। कंट्रोल प्लस एम करें तो हमारी एक न्यू स्लाइड ऐड हो जाएगी। अच्छा, इसको हम अभी रिमूव कर देते हैं, डिलीट स्लाइड कर देते हैं। अच्छा, तो जब हम न्यू स्लाइड में जाते हैं तो इधर क्लिक करते हैं डाप डाउन बॉटम डाउन मेन्यू में, तो हमें बहुत सारे थीम्स मिल जाते हैं ऑफिस के, जैसे कि ये नज़र आ रहा होगा टाइटल स्लाइड है, टाइटल एंड कंटेंट है। इसमें जस्ट टाइटल होगा, इसमें टाइटल होगा प्लस कंटेंट होगा, इसमें सेक्शन हेडर है, हेडर हो गई, इसमें टू कंटेंट्स हैं, जैसे कि हमने किसी दो चीज़ों का आपस में कंपैरिजन करवाना हो, जैसे कि ये है इधर टाइटल दे के दोनों चीज़ों का आपस में कंपैरिजन करवाना, तो हम ये यूज़ करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी हैं कंपैरिजन के लिए, जैसे ये बता रहा है टाइटल ओनली, ब्लैंक स्लाइड, कंटेंट विद कैप्शन, पिक्चर एंड कैप्शन। जैसे कि मैं ऐड करता हूँ तो इधर क्या कर सकते हैं, आप एक टाइटल लिख सकते हैं, सब टाइटल लिख सकते हैं, इसके बाद आप क्या इधर पिक्चर्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, कोई भी आइकन वगैरह। हम सबसे लेट्स सपोज अगर ये आप इसको चेंज करना चाहते हैं, लेट्स सपोज आपने जो आपका टेक्स्ट है आपने उसको इधर लेके आना है, आपने जो आपके आइकन है उसको आपने इस साइड पे लेके जाना, तो आप क्या करेंगे, इसको आप इधर से उठा के दूसरी साइड पे लेके जा सकते हैं, या आपकी अपनी मर्जी, आप कस्टमाइज कर सकते हैं जैसे भी आपने करना है, इट्स अप टू यू, जैसे भी आप करना चाहें। ये देखिए इधर टाइटल आ गया, इधर टेक्स्ट आ गया, इधर एक पिक्चर्स या जो भी आइकॉन। अगर आपको ये पसंद नहीं आता, आपने दोबारा रीसेट करना है, तो क्या करेंगे, आप इधर जाके रीसेट में क्लिक करेंगे तो जैसे आपका प्रीवियस था वैसे ही आ जाएगा। इसके अलावा हम देख लेते हैं कि ये लेआउट है, लेआउट में वही चीज़ें हैं जो मैंने इधर से आपको दिखाई हैं, ये जो न्यू स्लाइड्स में थी वही सारी चीज़ें हैं, वो भी लेआउट में रीसेट का भी आपको पता है कि अगर आपको आपने जो कोई भी काम किया है वो आपको पसंद नहीं है, आप दोबारा बैक टू ओरिजिनल जाना चाहते हैं, तो आप रीसेट पे क्लिक कर देते हैं। इसके बाद आ जाता है सेक्शन। सेक्शन क्या होता है कि फ़र्ज़ करें आपको प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं तो उसमें डिफरेंट पोर्शंस होते हैं, जैसे कि फर्स्ट पोर्शन होता है इंट्रोडक्शन का, उसके बाद आ जाता है मेन बॉडी का, फिर थर्ड पे आ जाता है, एंड पे आ जाता है कंक्लूजन। तो आप क्या कर सकते हैं, फ़र्ज़ करें आप अपनी आसानी के लिए ये तीन स्लाइड्स पे इंट्रोडक्शन फ़र्ज़ करें लेट्स सपोज कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट फर्स्ट स्लाइड पे जाएंगे, उस पे क्या करेंगे, सेक्शन पे क्लिक करेंगे, ऐड सेक्शन कर देंगे। ऐड सेक्शन के बाद जब आप इसे ऐड सेक्शन पे करते हैं तो ये आपका एक सेक्शन क्रिएट हो जाता है। सेक्शन जब क्रिएट हो जाता है तो आप क्या करते हैं, ये एक सेक्शन क्रिएट हो रहा है, देखिए 1 2 3 स्लाइड्स का ये सारी रेड हो चुकी हैं, तो आपने क्या करना है, ये अनटाइटल्ड आ रहा है, आपने क्या करना है सेक्शन में जाना है, रीनेम सेक्शन करना है। लेट्स सपोज मेरा फर्स्ट पोर्शन जो इंट्रोडक्शन का, मैं उधर लिख दूंगा इंट्रोडक्शन, रीनेम पे करेंगे, ये देखें इधर इंट्रोडक्शन आ गया। तो इस अभी मैं इसको क्लोज कर दिया है इंट्रोडक्शन वाले सेक्शन को, तो ये देखिए उधर शो कर रहा है कितनी स्लाइड्स हैं, 3 स्लाइड्स हैं। इसी तरह मैं और स्लाइड्स ऐड करता हूँ, लेट्स सपोज न्यू स्लाइड्स ऐड कर देता हूँ, ब्लैंक, एक और कर दी, एक और कर दी। इधर तक तो हमारा सेक्शन 1 है इंट्रोडक्शन का। फोर्थ पे जाके मैं क्या करता हूँ, फिर एक सेक्शन ऐड कर देता हूँ। ऐड किया, ये देखें इसके नीचे वाली जितनी भी है ना ये सारी रेड हो गई हैं, इसको मैं रीनेम कर लेता हूँ। रीनेम में क्या करता हूँ, जाके आप अपनी मर्जी से जो भी प्रेजेंटेशन बनाई होगी आप वो कर सकते हैं। मैं लिख लेता हूँ बॉडी ऑफ द प्रेजेंटेशन, ठीक है, ये देखें। अच्छा, अभी इसको मैं क्लोज़ किया, इसको मैंने क्लोज़ किया, अभी देखें आपको आसानी हो जाती है जब आप क्लिक करना चाहते हैं तो इंट्रोडक्शन करना, तो इंट्रोडक्शन में आपको पता 3 स्लाइड्स हैं, आप बॉडी ऑफ प्रेजेंटेशन में करेंगे तो बॉडी ऑफ प्रेजेंटेशन में भी पता आपको कितनी स्लाइड्स हैं, वो आपको शो कर देगा। तो इस तरह से आप काम कर सकते हैं। और इसके अलावा क्या है, आप इमेजेस ऐड कर सकते हैं, अपने फ़र्ज़ करें इधर से उठा लेते हैं, तो इस वाले में आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, कुछ भी ऐड कर सकते हैं, इसमें भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, इसमें टाइटल ऐड कर सकते हैं, कोई भी टाइटल जो है आपने ऐड करना है। इसमें क्या, ये देखिए इधर मैं क्लिक करता हूँ,
ये टेबल क्या कह रहा है, इनजेड टेबल। आप इधर से टेबल इनजेड कर सकते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज। ये देखिए टेबल कॉलम क्रिएट हो गया, जनरेट हो गया एक। ये इनजेड चार्ट क्या है, आपने कुछ चार्ट इनजेड करना है, इधर से आप चार्ट इनजेड कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है इनजेड स्मार्ट आर्ट ग्राफिक। लेट्स सपोज इस पर क्लिक करते हैं, तो इधर से कोई भी आपने आप बना रहे हैं तो आप इधर से चार्ट स्मार्ट आर्ट उठा के लिस्ट वाला उठा सकते हैं, प्रोसेस वाला उठा सकते हैं, साइकिल वाला उठा सकते हैं, हायरार्की उठा सकते हैं, कोई भी आप अपनी मर्जी का, या कोई पिक्चर इस तरह की है, कुछ भी आप उठा के इधर ऐड कर सकते हैं। इधर पिक्चर है, आप कोई भी पिक्चर जो है आप क्लिक करेंगे, आपका ब्राउज हो जाएगा, आपके ब्राउजिंग पे चला जाएगा। इधर से आप कोई भी इमेज उठा के एंड जेड कर सकते हैं। इसके अलावा ये ऑनलाइन पिक्चर, आपने लेट्स सपोज ऑनलाइन पिक्चर ऐड करनी है तो ऑनलाइन पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं। इनजेड वीडियो, ये वीडियो के लिए टैब है, आपने अगर कोई वीडियो ऐड करनी है तो आप वीडियो भी ऐड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं इसमें बताई गई हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि लेट्स सपोज आपकी ये वाली स्लाइड है वो ब्लैंक है, तो आप इसी स्लाइड को चेंज करना चाहते हैं किसी और फॉर्मेट में, तो आप क्या करेंगे, लेआउट में जाएंगे। लेआउट में जाने के बाद इधर से आप अपनी मर्जी का कोई भी कंटेंट या कोई भी स्लाइड फॉर्मेट आप चूज़ कर सकते हैं, तो उसके साथ चेंज हो जाएगा। तो इस तरह भी आप इसमें ये काम कर सकते हैं। इसके अलावा सेक्शंस की बात हो रही थी, तो सेक्शन में आप क्या कर सकते हैं कि इधर ऑप्शन दी होती है कि अगर तो आपने सेक्शन रिमूव करना तो रिमूव वाल सेक्शन आ जाएगा, और कोलैप्स वाल सेक्शन, जैसे कि मैंने क्लिक किया तो सारे आपस में कोलैप कर गए हैं, इकट्ठे हो गए हैं। एक्सपेंड करने हैं, एक्सपेंड हो जाएंगे, सारे ओपन हो जाएंगे। तो आप ये भी सेटिंग कर सकते हैं इसमें, अगर आपने सेक्शन रिमूव करना है तो रिमूव वाल सेक्शन पे करेंगे, सारे सेक्शन रिमूव हो जाएंगे, और इसमें क्या आएगा, जस्ट सिंपली नंबर वाइज स्लाइड्स आती जाएंगी, इसमें अभी कोई भी सेक्शन नहीं बना पड़ा। तो ये काम भी आप सेक्शन में कर सकते हैं। तो ये हमारा बेसिक्स जो था, इंट्रोडक्शन था, और इसमें प्रेजेंटेशन स्टाइलिंग थी, मतलब कि कैसे हम प्रेजेंटेशन, बेसिक प्रेजेंटेशन कैसे बना सकते हैं, ये चीज़ें हमने देखी हैं। तो मज़ीद नेक्स्ट देखते हैं आउटलाइंस में, अगले लेक्चर्स में देखेंगे इंशाल्लाह कि हम इसको कैसे कर काम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।